चाकुलिया थाना अंतर्गत सकुंदला हाई स्कूल ग्राउंड में रमजान अली मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का 26वां सीजन का इनॉग्रेशन किया गया। मौजूद थे रमजान अली मेमोरियल ट्रस्ट के चेयरमैन एवं चाकुलिया विधायक अली इमरान रम्ज विक्टर और दीगर मेम्बरान। सलाम अलैकुम, नमस्कार, आदाब, मैं साजिद हुसैन और देख रहा हूँ चाकुलिया टाइम्स। अभी मौजूद हम शकुंतला हाई स्कूल मैदान में और आज यहाँ पे मरहूम रमज़ान अली जो चाकुलिया के एक ऐसा चेहरा जो चाकुलिया वाले शायद ही कभी भूल पाए उनको, वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी याद में जो ये रमज़ान अली मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है, ये 26वां इनॉग्रेशन डे यहाँ पे उद्घाटन किया गया, इनॉग्रेशन किया गया, आज से ये टूर्नामेंट फिर से स्टार्ट हुआ, ये 26वां है। और उसी मौके पे यहाँ पर मौजूद चाकुलिया के विधायक जनाब अली इमरान रम साहब हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये टूर्नामेंट जो आज 26वां टूर्नामेंट है ये, इसको ऑर्गेनाइज़ करने का जो रमज़ान अली मेमोरियल ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं, तो मेन उद्देश्य क्या है सर? क्या ये जिस तरह से देखा जाए कि नेशनल लेवल पे, नेशनल क्रिकेट लेवल पे हमारे एरिया के कुछ लड़के नहीं जा पाते हैं, जज्बा तो सब में होता है खेल के प्रति लेकिन नहीं जा पाते हैं, तो क्या उसी दिशा में युवाओं को आकर्षित करना इस टूर्नामेंट का मेन उद्देश्य है? ये रमज़ान अली मेमोरियल टूर्नामेंट जो है ये इस इलाके के एक जाने माने लीडर, इलाके के नुमाइंदगी करने वाले एक MLA जनाब रमज़ान साहब की याद में ये टूर्नामेंट रमज़ान अली मेमोरियल ट्रस्ट के तौर पर किया जाता है। इसकी शुरुआत जो है हमारे यहाँ के MLA में बंगाल के मिनिस्टर रह चुके जनाब हफीज़ आलम सहरानी साहब ने इसकी शुरुआत की थी और उसको आज तक हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये खेल का माहौल इस इलाके में आज रमज़ान अली क्रिकेट टूर्नामेंट सिर्फ चकलिया ही नहीं बल्कि उत्तर दिनाजपुर नहीं, आज उत्तर दिनाजपुर के बाहर भी बंगाल के अलग अलग मुख्तलिफ ज़िलों से लोग यहाँ पर खेलने आते हैं। और ये हमारी खुशनसीबी है कि विराट कोहली के साथ रणजी ट्रॉफी खेले हुए प्लेयर दिल्ली से वो लोग भी आकर चकलिया की सरजमीन पर रमज़ान अली क्रिकेट टूर्नामेंट में खेल कर गए। तो ये खेल का जो माहौल है ये नौजवानों को हौसला अफजाई देना कि नौजवान सारे लोग जो है एकेडमिकली सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, तो अलग अलग फील्ड है जिसके अंदर जिस तरह का भी अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है वो उस सलाहियत का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने का रास्ता बनाए। ये खेल एक ज़रिया है, जिन बच्चों में खेलने का हुनर है उन बच्चों को हम लोग मौका देते हैं कि वो अपने खेल को का मुजाहरा करें और अपने खेल को निखारें और आगे बढ़ने के लिए जहाँ तक हम लोगों के बस में है वो कोशिश करते हैं। एक कोशिश मेरी चल रही है कि यहाँ पर एक क्रिकेट एकेडमी भी बनाया जाए और वो रमज़ान अली मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से वो एकेडमी चलाने की बात भी हमने की है, लेकिन क्योंकि हुकूमत से इसका वास्ता है, मैंने हुकूमत को इसके लिए हमारे स्पोर्ट्स वेलफेयर मिनिस्टर उनसे भी मैंने बात की है, तो अब देखता हूँ, एक कोशिश जारी है, अगर होता है तो एक एकेडमी बने ताकि यहाँ से भी कुछ बच्चों को बंगाल टीम में खेलने का मौका मिले, रणजी ट्रॉफी तक पहुँचे और अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह अगर काबिलियत रही तो बच्चे इंडिया टीम में भी चकलिया से खेलेंगे आने वाले वक्त में, ये उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। आप राजनीति से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं सर, तो जब आप इस तरह के टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन करते हैं, उद्घाटन करते हैं, तो कुछ लोग इसको राजनीति दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? मुझे उनकी सोच और समझ पर अफसोस आता है क्योंकि ये एक रमज़ान अली मेमोरियल ट्रस्ट है, यहाँ पे कोई पार्टी का झंडा नहीं है और इससे सियासत का कोई लेना देना। हाँ, ये सच बात है कि रमज़ान अली साहब किसी एक सियासी परचम से जुड़े हुए थे, आज मैं MLA हूँ, मैं भी किसी एक सियासी परचम से जुड़ा हुआ, लेकिन ये मंच जो है ये मंच एक न्यूट्रल मंच है, रमज़ान अली मेमोरियल ट्रस्ट है ये। और आज भी आप इस मंच पे देखें तो इस इलाके के जाने माने जितनी भी शख्सियत हैं वो चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुकात रखें उन सबको दावत दी गई है और रमज़ान अली साहब की इज़्ज़त अफजाई के लिए या इस उनकी याद में वो सारे शख्सियत आज इस मंच पे मौजूद है। हर किसी ने रमज़ान अली साहब के बारे में अपनी जो एक्सपीरियंस उनका रहा है उसको शेयर किया है, तो ये किसी सियासी पार्टी, अब जो लोग ऐसा सोचते हैं उनकी सोच पर अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि ये खेल जो है इलाके के तमाम तबके को जोड़कर हम लोग करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी का एक मैसेज जाता है, हमारे इत्तेहाद को कायम करने का काम करता है, इलाके में एक खुशहाल माहौल बनाया जाता है ताकि लोगों को ये एक महीने का जो ये खेल चलता है इसमें काफ़ी दूर दराज से लोग आकर इस खेल में जुड़ते हैं, तो
तो ये सारा माहौल हम लोग पैदा करते हैं लोगों को। हमारे इलाके में एंटरटेनमेंट का तो कोई ज़रिया है नहीं यहाँ पर लोगों को, तो ये खेल जो है लोगों को एक महीने तक इससे जुड़े रहने का, इससे गांव में बस्ती में लोगों को एक चाहत होती है कि रमज़ान अली क्रिकेट टूर्नामेंट देखने जाना है, तो ये भी एक इस इलाके का एक त्यौहार जैसा मनाया जाता है। तो ये सबके लिए है, इसमें कोई सियासत नहीं है और इससे कोई, इसमें हर पार्टी के लोग आते हैं और जो हमारे चीफ गेस्ट अक्सर फाइनल में आते हैं, तो उसमें पिछली बार यहाँ पे कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन आए हैं, उससे पहले भी आए हैं मुख्तलिफ स्पोर्ट्स पर्सन लोग आए हैं जो लोग नेशनल लेवल पे देश का नाम रोशन किए हैं, ऐसे ऐसे लोग भी यहाँ पर आए हैं, तो सबको लेकर हम लोग आते हैं। मैंने तो लक्की रतन शुक्ला जो हमारे इंडियन टीम के प्लेयर रह चुके हैं, अभी पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री हैं, मैंने उनको भी दावत दी थी कि आप आइए। मैंने तो ये सोचा नहीं क्योंकि वो मौजूदा सरकार के मंत्री हैं, फिर भी मैंने उनको दावत दी है कि आप आइए। मैं फिर इस बार भी कोशिश करूँगा कि वो आए, क्योंकि मैं उनको बतौर पार्टी के नेता या मंत्री नहीं, मैं इंडियन टीम के एक जाने माने हस्ती क्रिकेटर के तौर पर उनको दावत देता हूँ और वो आए, हमारे नौजवानों को इंस्पायर करें, मैं ये चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।